हेलो दोस्तों, तो अभी हम डुमरांव के गुरुटेलिया स्कूल तक हैं, जहां पर बहुत भव्य और सुंदर और प्यारा पंडाल बनाया गया है। डुमरांव का ये सबसे बेस्ट डुमरांव का पंडाल है, तो चलिए हम अंदर चलते हैं और खूबसूरती दिखाते हैं। देखिए, पंडाल नौ न्यू स्टार बालक दुर्गा पूजा समिति ट्रेनिंग स्कूल के पास में रखा गया बहुत खूबसूरत पंडाल है डुमरांव का, क्योंकि यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि बहुत सुंदर और प्यारा पंडाल है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं, दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत जमघट लगा हुआ है, क्योंकि लोग थोड़ा बहुत एक कलाकारी को देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इधर जो एक कलाकार है, कि जो भी लोग आते हैं इस कलाकार को जो पूरा पेंटिंग लगाया हुआ है सिल्वर कलर का, तो कुछ ना कुछ लोग पैसा दे देते हैं। तो हम भी सोचा कि चलो 10 रुपया दे देते हैं। चलिए अंदर दिखाते हैं माँ के प्रतिमा, क्योंकि सज गया है दरबार। आज नवरात्र का 8वां दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा सा पंडाल है, क्योंकि ऐसा खूबसूरत पंडाल डुमरांव में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो देखिए, माँ का प्रतिमा भी बहुत खूबसूरत है, तो देख सकते हैं कि माँ का प्रतिमा है। एक बहुत आकर्षक केंद्र बना हुआ है, जो गोल गोल एक मूर्ति राउंड में घूम रहा है। तो चलिए थोड़ा सा जूम करके हम दिखाते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए, सेल्फी लेने के लिए होड़ मची हुई है, कुछ प्रशासन के भी लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं हम लोग के साथ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि माँ का दरबार जो है बहुत सज धज कर तैयार हो गया है, क्योंकि बहुत भीड़ है। देखिए, बालक के साथ एक मूर्ति है जो राउंड में घूम रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। सारा लोग इसी पर नज़र लगाए हुए हैं। और देखिए, नौ दुर्गा की मूर्ति बहुत विशाल और बहुत भव्य है। तो ये बहुत पंडाल अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत पंडाल है डुमरांव का। इधर देख सकते हैं कि शेर इधर चक्र लिए हुआ है, रावण शायद रावण है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं, क्योंकि आज थोड़ा बहुत दिखाएंगे आप लोग को। इसके बाद हम कल भी नवरात्रि के दिन बहुत दिखाएंगे। तो देखिए, ये हम लोग उलचंद कानू रोड में आ गए, जो यहाँ पर भी एक बहुत विशाल माँ के मूर्ति रखा गया है। और देखिए, सजावट भी कितना अच्छा से किया गया है। हालांकि आज कोई भीड़ नहीं है, फिर भी हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए, एक भाई बेटा गया जो, तो देखिए मेरे साथ में दीपू है, हम लोग साथ साथ जा रहे हैं पंडाल घूमने के लिए। और देखिए, मेरे बड़े भैया हैं। तो यहाँ पर हम लोग उलचंद कानू रोड में आए हुए हैं। तो चलिए हम पंडाल को दिखाते हैं, बहुत बेस्ट पंडाल है। तो देख सकते हैं, ये सनातन के गुरु धर्म भगवान शिव, तो बहुत अच्छा इधर भी मूर्ति रखा गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि अंदर कैसा क्या है। तो देख सकते हैं इधर साइड में पूरा हरा हरा जो लगा हुआ है गेहूँ है। इधर देखिए, चुनरी वगैरह सब बांधा गया है, बहुत इधर सेल्फी पॉइंट है, ताकि लोग सेल्फी वगैरह सब लेने के लिए। तो जानते ही हैं कि लोग सेल्फी भी बहुत लेते हैं। वो तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत मस्त लग रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं जवाहरी मंदिर। देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया है, पूरा लाइट से सजाया गया है ये पूरा गली को। तो इसमें देखिए, बहुत बेस्ट माँ का प्रतिमा रखा गया है। तो आप देख सकते हैं नौ दुर्गा का, बहुत खूबसूरत और बहुत भव्य लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं जवाहरी मंदिर डुमरांव, आइए पंडाल है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लगा है, और प्यारा सा माँ का पंडाल है। तो जय माता रानी की, तो आप देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अब सीधा गोला रोड में। क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सुंदर और भव्य पंडाल रखा हुआ है। देखिए, भैया है तो हमारे हाथ बचाने के लिए हो गया है।
रहा है, आप बोल रहे हैं कि जल्दी घर चलो, तो हम लोग थक के भी गए हैं, तो काल भी घूमना है। तो देख सकते हैं ये जगनन हॉस्पिटल के सामने रखा गया है मूर्ति, छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा और बहुत सुंदर मूर्ति है। माँ का प्रतिमा बहुत अच्छा है, बहुत माता रानी का अच्छा प्रतिमा है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।